हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अनिका को अभी आप ना यहाँ पर होली खेलते हुए देखोगे, कहीं से आएगी वो एकदम होली के रंग के साथ। ये देख रहे हो, ये बच्चा हमारा है। बाप रे, घर आओ, जाना है, चलो जाना है, चलो आओ। अरे घर आओ, घर आओ, सारी सोसाइटी को पता चल जाएगा। ये बताओ, हमें बाहर जाना है, तुम ऐसे बनकर आई हो। नहीं, पर अभी फिर नहाना पड़ेगा ना पूरी तरह से, सर से पूरा। बताओ कैसे जाएंगे, तुम खुद बताओ। तो आज है 6 मार्च और होली है 8 मार्च को, और बच्चों की होली तो ऐसी ही चालू हो चुकी है। तो अभी अनिका को मैंने नहाने के लिए भेजा है, बड़ा मतलब मैं परेशानी हो गई एकदम ऐसा देख कर। अनिका को अभी नहा कर आएगी। तो यार, बच्चे शाम को नहाते ना तो टेंशन अलग से हो जाती है। एक तो शाम के 6:45 से ऊपर हो रहा है तो एक टेंशन रहता है, और हल्का ठंडा है यहाँ पर, ऐसा एकदम गर्मी वाला टेम्परेचर यहाँ पर नहीं है। सो बस मैं रेडी इसलिए हो रही हूँ, और हमें इसलिए बाहर जाना है कि राज की शॉपिंग बाकी है। राज के लिए सिर्फ एक पैंट लिया था, उनके लिए कुछ और लिया ही नहीं था, तो उनकी शॉपिंग करवानी है। मतलब टी शर्ट या फिर शर्ट उनके लिए लेनी बाकी है, तो वही लेने जा रहे थे हम लोग। तो राज बोले कि मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा, तुम दोनों तैयार रहना और हम लोग फिर चलेंगे और शॉपिंग कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। ऊपर से मुझे ना बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे टायर्ड सा फील हो रहा है, डल सा फील हो रहा है। आई जस्ट नीड माई स्लीप। ऐसा लग रहा है ना कि मैं 2-3 घंटा एकदम चैन से सो जाऊँ एंड कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, बट वो हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए ना और भी मुझे ऐसे डल सा फील हो रहा है, बट वॉट टू डू, है ना। ओके गाइस, आप ये बात तो जानती है कि विटामिन सी हमारे स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमें ना इस इंग्रेडिएंट को रेगुलरली हमारे स्किन केयर में यूज़ करना ही पड़ता है। एंड यस, मैं भी करती हूँ। एंड गाइस, ऑल्सो लेट मी टेल यू कि मैंने मामा अर्थ के साथ मिलकर 1 बॉटल चैलेंज लिया है। हियर यू कैन सी माय बॉटल ऑफ विटामिन सी। अब इस चैलेंज में मैं क्या करती हूँ कि एवरी डे जो मैंने ये विटामिन सी लिया है ना, इसे अपने स्किन केयर रूटीन में यूज़ करती हूँ। ऑन माई स्किन मैं इसे लगाती हूँ, एंड इसका जो रिजल्ट है क्लियरली मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। इस सीरम में 5% विटामिन सी है, जो कि ग्लो देने में हेल्पफुल है। ऑल्सो कंटेंट्स 5% नियासिनामाइड, विच प्रमोट्स इवन स्किन टोन, एंड टर्मरिक विच रिवाइव्स नेचुरल ग्लो। द सीरम हैज द पावर ऑफ 50x विटामिन सी। कंसिस्टेंट ग्लो के लिए मैं इसे डे एंड नाइट एवरी डे इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड इतने लोवेस्ट प्राइस में ना मुझे ये डील बिल्कुल नहीं मिलने वाली है इन द मार्केट। सो मुझे ये जो बॉटल है 399 rupees में 30 ml मिल रही है इन सारे बेनिफिट्स के साथ। दिस रेंज ऑल्सो हैज मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। ये मेरे लिए 2-in-1 काम करता है, मतलब प्रोटेक्शन भी और ग्लोइंग स्किन भी। इसमें SPF 50 PA++ है, एंड इसमें जो गुडनेस है वो है विटामिन सी एंड टर्मरिक की। इवन यू गाइज कैन टेक दिस 1 बॉटल चैलेंज फॉर योर स्किन गाइज। एंड हाँ, यूज करिए मेरा कूपन कोड Kiran2023 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन योर परचेज ऑफ दीज 2 products। एंड आपको ये कूपन कोड यूज करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मामाअर्थ की जो है, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एज वेल एज इनका ऐप भी आ चुका है, जिसके iOS एंड एंड्रॉइड की डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी, तो वहां पर भी ये कूपन कोड चल जाएगा। और हाँ, ये प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन भी, लाइक Amazon एंड Flipkart। इसके अलावा लेट मी टेल यू गाइस कि आपको ना ये प्रोडक्ट्स ऑफलाइन भी नियर बाय स्टोर्स में आपके बहुत इजीली मिल जाएंगे। एंड गाइस, मुझे ना मामाअर्थ की जो गुडनेस इनिशिएटिव है ना, वो बताने में बहुत अच्छा लगता है। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ 3-day प्लान। बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million tree as a part of this initiative. So I think I have given you enough information. Sari details, sari links aapko niche description box mein easily mil jayegi. Do check it out guys. To Anika aa chuki hai nahakar aur main ho rahi hu ready. Anika ke bhi baal wagaire sukha do. Hoge dry hoge baal? Haan. Aao kangi kar lo beta. Ye to aur geele ho
हाँ तो खुद से बेटा अपने को जाना है, कैसे होगा बताओ, तुम खुद बताओ। निकल रहे होंगे अभी, उन्होंने बोला था मैं बस निकल ही रहा हूँ, तो हम तैयार रहेंगे तो उनको वेट नहीं करना पड़ेगा ना। और हमको जाना भी बड़ा दूर है, हमको जहाँ पर जाना है ना वो भी काफ़ी दूर है। सो मैं सिर्फ कंसीलर लगा रही हूँ, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं लगाने वाली। ओके, तो कंसीलर तो लगा लिया, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा ऑयली हो जाती है आफ्टर सम टाइम, तो इसीलिए हल्का सा कॉम्पैक्ट। मस्कारा तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, कुछ लगाओ या ना लगाओ, बिकॉज इससे ना मेरे आँखों में ड्रास्टिक ऐसा चेंज आता है विच आई रियली लव्ड अबाउट इट। और इनफैक्ट मुझे लिपस्टिक लगाने का भी आज मन नहीं कर रहा है। ओके चलो थोड़ा सा इतना लगा लेती हूँ जस्ट कि एक कलर रहे, है ना। ओके तो आई गॉट रेडी, अनिका ऑल्सो गॉट रेडी, है ना, हो गई ना। तो बस मैंने कंसीलर एंड कॉम्पैक्ट लगाया और लिप शेड थोड़ा सा मस्कारा, इससे ज़्यादा और कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है तो लगाया भी नहीं कुछ। नहीं कटी नहीं है, एक गलती और मॉल पीछे। अभी जब कट मिलेगा तभी हम लोग यहाँ जा पाएंगे। तो मैं एक मिनट के लिए फोन पर लग गई थी, तब तक इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये है यार, इसको भी नहीं देखा आपने, तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली, वी गॉट अ कट और हम एंटर किए हैं एंड यस। आते ही सबसे पहले वॉशरूम में घुसी हूँ क्योंकि बहुत जोर से आई थी, वो छोड़िए। ये जो क्लॉथ की बैग है ना गाड़ी में रखी थी, तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ सकती। चलो अब शॉपिंग की जाए। हम लोग ये 10वें दुकान में होंगे, उसमें भी एक कुछ पसंद आया पर आपने बस देखा, निकाला नहीं उसे, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये लोगे आप। हम औरतों की शॉपिंग ज्यादा आसान होती है, जिन्होंने नाम बदनाम कर रखा है वो सही नहीं है गाइस। हम लोग, मैं इतने देर में कर चुकी थी अपनी शॉपिंग और इन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, कुछ तो पसंद आना ही चाहिए। वाह ये बहुत ही अच्छा यार, ये इतना तो अच्छा है कि फूफा जी वाला फूफा जी ने उस दिन ये तो पहना था। ये भी अच्छा है, देखो ऐसे कुछ फैंसी पहनने का मन है आपका तो ये भी अच्छा है। Tu cuerpo nunca lo suelto encima de mi baby, siempre te siento और इसी के साथ हम लोग 11वें दुकान से भी बाहर हो गए हैं। ये 11वां नहीं था, तो छठवां था, पर एक बात अच्छी हो रही है, मैं प्रमोशन पूरा पूरा कर रही हूँ अपने ब्रांड का, वो एक अच्छी बात हो रही है। एक पसंद आ गया था किलर में, अनफॉर्चुनेटली साइज ही नहीं था उसका, बोलो मतलब क्या नसीब है। कहाँ मिलेगा आज आपका शर्ट या टी शर्ट या जो भी है, कहाँ मिलेगा। अच्छा होप सो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। नहीं 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 यार, सच में अच्छी शर्ट है, मैं क्यों ऐसी बोलूं, अच्छी है तो है। देख लो यार, देख लो इसको क्यों पीछे छोड़ना, इसमें भी देख लो। हाँ अभी देखे थे, जस्ट इन्हें दे, यहाँ पर भी नहीं। ओके क्या इन्हें आज कोई शर्ट या टी शर्ट पसंद आएगा। हाँ वॉकिंग हो गई, हाँ सही कर रहे हो, समझ में तो नहीं आ रही है कौन सी। हाँ पहन कर दिखा दो, ऐसे तो नहीं समझेगा। वाह जब तक पापा ट्राई कर रहे हैं तब तक बिटिया रानी स्ट्रेच कर रही है। वाह वाह वाह, हाँ वेरी गुड, और वाह वाह। बस हमको यहाँ पर ना टेलर को ढूंढना पड़ेगा, इतना समझ लेना। वाह वाह बेटा, वाह 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 वाह, मेरे तो खुशी के आंसू निकल चुके हैं क्योंकि फाइनली कुछ पसंद आया और ले भी लिया। सिर्फ पसंद आने से नहीं, ले भी लिया,
तो खुशी के आंसू ही निकल गए, बोलो तो सही रहेगा, है ना? क्योंकि पिछले एक घंटे से हम लोग इस दुकान से उस दुकान घूम रहे थे। राज के साथ ये हमेशा से ही है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं पहन सकते, उन्हें एकदम मन से पसंद आ गया तो फिर डन, नहीं तो फिर हो गया ऐसे ही चक्कर चक्कर काटो। फिर ये लड़की जो आज टाइम पास कर रही है ना हर जगह, उसके पापा को पहले शर्ट पसंद नहीं आ रही थी, अब जब बिलिंग हो रही है तो अलग ही टाइम पास कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी का अपना पूरा प्रदर्शन करते हुए। हुआ हाँ, तुम जाओ ना यार, तुम जाओ बस, कुछ घर के लिए रख दो। गुड मॉर्निंग गाइस, बिमला को राज शर्ट दिखा रहे, वो बोल रही है अच्छा नहीं लग रहा, इतनी दुकानों में घूम कर एक तो एक शर्ट खरीदा, पूछ रही है बोल रही है 2000 का शर्ट लिया हमने, 2000 में 5 शर्ट आ जाती है। बिमला बोल रही है इज्जत का फालूदा हो गया, हां बोलते बहुत खराब है। तो आप रिव्यू भी किससे ले रहे हैं? वो तो मैंने नहीं, रिव्यू ने मैंने निकाला तो उसने देख लिया ना, पुलिया ने नहीं गया था। मैं निकाला तो देखी तो बोलती है किसका, मैं बोला मेरा, बोलती तो बहुत खराब है एकदम। उसके बाद पूछती कितने का है, मैंने जितने का उससे कम दाम बताया, मैंने उसको बोला सिर्फ 2000 का है, जबकि है तो मांगी, फिर बोलती 2000 में तो 5 कपड़े मिले, और बेइज्जती करती। अच्छा है तभी यार, इतने दुकानें भी घुमाए, उसके बाद आपके मन पसंद का ही खरीदवाया। हाँ बस आपको अच्छा लग रहा है ना, बस मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा कपड़ा देखो यहाँ पे टांगा हुआ है, ये रेड एंड ऑरेंज वाला, ये मैं पहनने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैंने पहले टांग रखा है, कल शाम को पहनूंगी। अब मैं खाना की प्रेपरेशन करने जा रही हूँ, आज विमला भी दोपहर में 1 बजे तक चली जाएगी, फिर 2 दिन कोई हाउस हेल्पर कोई हेल्प नहीं रहेगी मेरे पास। खीर को ना मैं सबसे पहले तड़का लगाती हूँ। अब देखिए होता क्या है कि जो खीर वाले चावल होते हैं जिनमें हल्की सी खुशबू होती है या अच्छी वाली खुशबू होती है चावल में, वो वाले चावल मैं, खुशबू वाले चावल हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। वो मैंने धोकर ना लगभग 1-2 घंटे पहले ही रख दिए थे, और उसके बाद यहाँ पर घी में इन चावलों को भून रही हूँ, ठीक है? इससे ना इसका स्वाद काफी बढ़िया हो जाता है। बस अब इन चावलों को पकाने के लिए मैंने दूध डाल दिया है, चावल थोड़ा सा कम क्वांटिटी में रहेगा, दूध ज्यादा, ठीक है? जब तक दूध और चावल दोनों पक रहे हैं, यहाँ पर मैं दोपहर के खाने के लिए बैंगन और पालक की सब्जी बना रही हूँ। तो ये वही धारी वाली पालक है जो हर दूसरे दिन मैं बनाती हूँ, क्योंकि राज और मुझे ना बड़ी ज़्यादा पसंद आती है। इस पालक में ना एक बहुत ही अच्छा स्वाद होता है जो नॉर्मली हम लोग ऑल सीजन पालक खाते ना उसमें नहीं होता है। तो जब तक ये धारी वाली पालक मार्केट में मिलेगी, ये मेरे घर में हर दूसरे दिन बनेगी। मीनवाइल यहाँ पर दूध बहुत अच्छे से उबल रहा है और चावल ऑलमोस्ट 80% कुक हो गए हैं, और मैं इसे बीच बीच में हिलाते जा रही हूँ क्योंकि खीर जो है नीचे से पकड़ लेती है, तो वो मैंने पूरा ध्यान दिया है। और यहाँ पर स्वादानुसार मैंने चीनी डाल दिया है, मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा चीनी, पर चीनी बहुत पहले मत डालिएगा, जब चावल 80% कुक हो जाए ना तब डालिएगा। अब मैं यहाँ पर तड़का लगाऊंगी, जी हाँ खीर को तड़का। तो घी का पैन यहाँ पर हो गया है तड़का वाला रेडी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, इन सब का जो फ्लेवर है ना बहुत बढ़िया आता है। सौंफ का जो फ्लेवर है ना आपकी खीर को एक यूनिक टेस्ट देता है, एक अलग टेस्ट देता है, और भुना हुआ सौंफ वो भी घी में ना सच में बहुत फ्लेवरफुल होता है। तो यहाँ पर काजू और पिस्ता ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ड्राई फ्रूट के लिए, अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है, और लीजिए तड़का लगा दिया है, खीर में बढ़िया सा बहुत बढ़िया वाली खुशबू भी आती है। अच्छे से मिक्स कर लिया है सब कुछ, यहाँ पर चावल बहुत बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। और एक चीज अगर आप चाहिए तो इसमें कोई और फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इलायची हो, मैं ना केसर का फ्लेवर ऐड कर रही हूँ, तो केसर मैंने डाल दिया है। यहाँ पर अनिका के लिए आज सरप्राइज है, मैंने उसके लिए सुबह ही स्पॉन्ज केक कुकर में बनाया था, जो कुकर केक होते हैं ना जो 30 मिनट्स में बन जाते हैं, वो बनाया था। बहुत दिन से ना अनिका जिद कर रही थी, आपने व्लॉग में सुना भी होगा 1-2 बार, तो बस उसे यहाँ पर मैंने किया सरप्राइज, एंड गेस व्हाट, उसे बहुत अच्छा लगा।
और हाँ, यहाँ पर दम आलू के लिए आलूओं को मैं अच्छे से भून रही हूँ, भून नहीं रही हूँ यार, तल रही हूँ। कोटिंग देखिए क्या बढ़िया आई है। तो बस इसकी बनेगी दम आलू की सब्जी, बन रही है ऑलरेडी, ये बन रही है। ये व्लॉग बस यहीं पर खत्म होता है, इससे ज्यादा मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस रेसिपी को मैं फिर कभी दिखाऊंगी, वैसे अपने चैनल पर काफी बार दिखा चुकी हूँ इसलिए आज नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। Love is your baby, not a remix, yeah. Todas tus amigas say you miss me, girl. Tú necesitas algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero...